अब इस चैप्टर में हम देखेंगे सिक्स स्टेजेस ऑफ हिप्नोटिज्म, मतलब कि हिप्नोटिज्म जब भी हम करते हैं तो वो किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले हम किसी भी पर्सन को हिप्नोटाइज करते हैं, अल्फा लेवल में ले जाते हैं, तब वो आता है आई कैटिलेप्सी में। अब आई कैटिलेप्सी का मतलब क्या होता है? आई कैटिलेप्सी का मतलब ये है कि पर्सन अपनी आंखें नहीं खोल सकता है, चाहे वो जितनी भी कोशिश करे वो अपनी आंखें नहीं खोल पाता है, उसकी आंखें पूरी तरह से चिपक जाती है, तो इसे कहते हैं हम आई कैटिलेप्सी लेवल। अब उससे आगे उसे थोड़ा डीपनर्स लेके उसे ज़्यादा डीप स्लीप में ले जाए तो वो आ जाता है मसल्स कैटिलेप्सी में। अब इसमें क्या होता है, जिस तरह आंखें चिपक गई थी उसी तरह उसके हाथ पैर कुछ भी चिपक जाता है, जो भी उसे सजेशन कमांड देंगे हम वो उसी प्रकार उसके शरीर के अंग चिपकते जाते हैं। अब इससे ज़्यादा आगे और डीप नर्व्स लेके उसे और डीप में ले जाया जाए तो वो आ जाता है एमनीजिया लेवल में। अब ये लेवल एक ऐसा लेवल है कि इसमें पर्सन अपनी कुछ बातें या कुछ भी चीज़ें भूलना शुरू कर देता है। अगर उसको सजेशन कमांड दिया जाए कि वो अपना नाम भूल जाए, 1 से 10 की गिनती के बीच में कोई भी नंबर भूल जाए, अपने घर का पता भूल जाए, तो वो उसे भूलना शुरू कर देता है, तो ये आता है एमनेजिया लेवल में। अब उससे आगे अगर और भी ज़्यादा उसे डीप में ले जाया जाए तो वो आ जाता है एनेस्थेसिया लेवल में। अब इस लेवल में क्या होता है कि शरीर के किसी भी भाग का जो सेंसेशन होता है वो गायब हो जाता है। अगर उसे हम ऐसे सजेशन दें कि तुम्हारा हाथ पूरी तरह से सेंसेसलेस बन चुका है, उसे कुछ भी करो तो आपको दर्द नहीं होगा, तो वो उसी तरह रिएक्ट करता है जिस तरह आप इस फोटो में देख रहे हो कि उसके हाथों में नीडल लगाई जा रही है पर उसे कोई भी प्रकार का दर्द नहीं होता है, तो वो आ जाता है एनेस्थेसिया लेवल में। अब इससे आगे ये जो दो लेवल है हेलुसिनेशन के, उसमें क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा डीप स्लीप में जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसे हम गहरी नींद में ले जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हिप्नोटिक स्लीप में ले जाते हैं, तब ये लेवल होना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हेलुसिनेशन पॉजिटिव, मतलब जब भी कोई बंदा या जब भी कोई पर्सन हेलुसिनेशन में जाता है तो उसे चीज़ें नहीं होती है, वो दिखना शुरू हो जाता है। सपोज उसे हम कहते हैं कि जैसे ही आप आंखें खोलेंगे तो आपके आसपास कबूतर ही कबूतर उड़ते नजर आएंगे, तो जब भी वो आंखें खोलेगा उसे पूरे कमरे में कबूतर ही दिखाई देंगे। उसी प्रकार उससे बिल्कुल उल्टा नेगेटिव हेलुसिनेशन, इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपके सामने पड़ी होती है और आपको वो दिखाई नहीं देती है। अगर उसे सजेशन दिया जाए कि जब भी आप आंखें खोलेंगे आपके सामने से ये व्यक्ति गायब हो गया होगा या ये व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा, तो जैसे ही वो आंखें खोलता है उसे वो दिखाई नहीं देता और वो गायब हो जाता है, तो इसे कहते हैं नेगेटिव हेलुसिनेशन। और अब आगे का कोर्स हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।